Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the lecture number 4 of the database management system course. Before starting today's lecture, let us review the previous lecture briefly. In the last lecture, we were discussing the three level architecture of the database, and out of three levels, we have discussed two. We discussed the external schema and the conceptual schema, and we saw different examples where we we saw the relationship between these two schemas and how do we get different views from the same conceptual schema. Today, we will proceed with this discussion and we will discuss the internal schema. So, let us start our lecture today. This is a review of today's lecture. Today, we are going to discuss the three level architecture, then, we will discuss the data independence, and finally, we will discuss.

लेकिन आपके जहन में यह चीज होनी चाहिए कि इनमें थोड़ा सा फर्क भी है चुनाचे ऑल दो के आप दोनों को सेम लेंगे लेकिन मैं वो फर्क जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा आज जो फिजिकल या इंटरनल स्कीमा है इसका ताल्लुक है डाटा की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन से हमारा यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा ऑन द डिस्क अब जहाँ से एक बात तो जाहिर होती है कि जिस तरह से डाटा हमें स्क्रीन पर नजर आता है और जिस तरह से प्रैक्टिकली वो डिस्क पे स्टोर होता है उनमें फ़र्क होता है आपको शायद ये मालूम हो कि डिस्क पे जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती हैं और जैसे हम उनको करैक्टर्स में चाहे वो करेक्टर्स इंग्लिश के हों चाहे वो फिगर्स हों चाहे वो डायग्राम्स हों चाहे वो उर्दू में लिखा हुआ हो वो हमें कन्वर्ट यानी जीरो और वन की जो रिप्रेजेंटेशन है डिस्क के ऊपर वो कन्वर्ट होके हमें उस फॉर्म में नजर आती है कि जो के स्क्रीन पर नज़र आता है तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो डाटा बेस की फिजिकल लेयर है कि जो फिजिकल लेवल है उससे क्या मुराद है और वहाँ पर क्या होता है इंटरनल व्यू के अंदर जो डी है वो ये सिलेक्ट करता है कि डाटा को एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा इससे मुराद यह है कि जब आपने कंसेप्टल व्यू डिफाइन कर लिया ये वो फॉर्मेट होता है कि जिसमें आप एक्चुअली डाटा data को डाटा में स्टोर करना चाहते हैं नॉट द थिंग इज दैट दे आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टोरिंग द सेम थिंग इनटू द कंप्यूटर और ऑन टू द डिस्क। तो यहां पर बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया और समाइम्स द गाइडलाइंस गिवन बाई द डी बी ए डी करता है कि उन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में डाटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करना चाहिए और इसके अलावा एक और बात यह है कि जो हम कंसेप्चुअल व्यू पे चीजें डिफाइन करते हैं फिजिकल लेयर में जाके डीबीएमएस उसमें कुछ और चीजें भी ऐड करता है अब वो चीजें क्या होती हैं इससे आम यूजर का कंसर्न नहीं है बिकॉज दो थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय द डीबीएमएस इट सेल्फ इन ऑर्डर टू एक्सेस द डाटा टू स्टोर द डाटा एंड टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑन द डाटा सो दैट इज वाई दे आर नॉट ऑफ मच कंसर्न फॉर द यूजर ऑफ द डाटा बेस बट एनी वे अपनी जो एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको मुकम्मल करने के लिए हम ये जरूर दिखेंगे कि वो किस किस्म का डाटा होता है कि जो कि फिजिकल लेवल पर जाकर डी बी एम एस डाटा में एड करता है आइए चलते हैं आगे क्या है इसमें यह है कि जो डी बी एम एस है ज्यादातर रोल डी बी एम एस इसमें खुद प्ले करता है यानी जो इंटरनल लेवल है या फिजिकल लेवल है वो डी बी एम एस का अपना कंसर्न है लेकिन इसमें डी बी एम एस का जो लाइजान होता है जो इंटरेक्शन होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज एट लेयर दैट इज लोअर देन द डीबीएमएस और डी बी एम एस जो है वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स को या ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि जितनी डिवाइस जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं चाहे वो डिस्क है चाहे वो प्रिंटर है या कोई और डिवाइस है उसको कंट्रोल करना उसको हैंडल करना वो डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती बल्कि डी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फैसिलिटीज़ है उन्हीं को इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर डीबी का लोअर लेवल पर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ताल्लुक़ होता है अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जनरल डिस्कशन के तौर पे हम इंटरनल व्यू को और फिजिकल व्यू को सेम लेंगे लेकिन जहाँ पे मैं उनके फर्क की तरफ जाते हुए मैं सिर्फ बात करूँगा इंटरनल व्यू की इंटरनल व्यू वो लेवल है कि जो कि डी खुद मैनेज करता है यानी इंटरनल व्यू तक जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग जो डाटा की है या डाटा को प्लेस करना डाटा को अरेंज करना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डी की उसके बाद जो है दैट इज फिजिकल व्यू और माइंड इट फिजिकल फिजिकल व्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द थ्री लेवल आर्किटेक्चर इन द थ्री लेवल आर्किटेक्चर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारा ताल्लुक या आर्किटेक्चर का ताल्लुक जो है वो सिर्फ इंटरनल लेवल तक है और डी बी एम एस जो है वो सिर्फ इंटरनल लेवल कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल का रिस्पॉन्सिबल है या उनका उनको टेक केयर करता है जबकि इससे बिलो जब हम फिजिकल लेवल की बात करते हैं इससे मुराद वो है कि वो जो जीरो वन की लैंग्वेज में यानी बाइनरी लैंग्वेज में जो डाटा स्टोर हो रहा है प्रैक्टिकली डिस्क के ऊपर दैट इज नॉट कंसर्न ऑफ इवन द डीबीएमएस वहां पर इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल लेवल पे जो रिकॉर्ड है उसको तैयार करके जो उसके बाद जो डी बी एम एस है दैट विल हैंड ओवर दैट रिकॉर्ड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली अलॉन्ग विद्रोप्रियट गाइडलाइंस अप्रोप्रियट डायरेक्शंस और उन डायरेक्शंस के मुताबिक उन कमांड्स के मुताबिक उन गाइडलाइन के मुताबिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रैक्टिकली उस डाटा को या उस रिकॉर्ड को डिस्क पे स्टोर करेगा चुनाचे यहां देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इंटरनल रिकॉर्ड अ सिंगल स्टोर रिकॉर्ड यानी फाइनल फॉर्मेट ऑफ द रिकॉर्ड जिसमें के रिकॉर्ड प्रैक्टिकली स्टोर होगा और मैं जैसे कि अभी आपसे कह चुका हूं कि द डाटा दैट वी सी एट द कंसेप्चुअल लेवल द डाटा एट द इंटरनल लेवल इट वुड बी डिफरेंट वाई बिकॉज द डीबीएमएस फुल एट सर्टन सर्टन थिंग्स इन टू दैट रिकॉर्ड और उस लेवल पर जो रिकॉर्ड बनेगा उसे हम कहेंगे इंटरनल रिकॉर्ड जैसे कि मैं भी आपसे कह चुका हूं कि इसमें सिर्फ वही नहीं होगा कि जो हम कंसेप्चुअल लेवल पर देखते हैं बल्कि इसमें कुछ और भी डाटा शामिल होगा जैसे यहां पर लिखा हुआ कि आमतौर पर यह वही कुछ होता है जो कि हमने इंटरनल लेवल पर दिया हुआ है होता सिर्फ यह है कि वो अब फिजिकल लेवल पर जाके ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल लेवल जो रिकॉर्ड था उसको कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी फॉर्मेट में इन ऑर्डर टू फाइनली प्लेस इट ऑन द डेस्क और एनी स्टोरी डिवाइस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बढ़ने से पहले मैं एक दफा फिर आपके सामने इन तमाम स्कीमास को रिवाइज कर दूं कि एक्सटर्नल व्यू जो है वो वो व्यू है कि जो आपके यूजर जो हैं एंड यूजर जो वो देख रहे हैं जो कंसेप्चुअल व्यू है वो व्यू है कि जो कि आपका डी बी ए देख रहा है एंड दिस प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑल द एक्सटर्नल व्यूज एक बात दूसरी बात इसको हम ये कहते हैं कि दिस इज द व्यू ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन और रादर दिस कंसेप्चुअल व्यू रिप्रेजेंट्स द डाटा बेस आर्किटेक्चर डाटा बेस स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन उससे नीचे है इंटरनल लेवल इंटरनल लेवल पे वो जो हमने कंसेप्टिवी स्कीमा uh, पे डिफाइन किया था डाटा uh, वो और प्लस इसके अलावा कुछ और डाटा जो कि डीबीएमएस उसमें ऐड करता है वो बन जाता है आपका इंटरनल लेवल पे ये तीनों जो है ये लेवल है जो कि थ्री लेवल आर्किटेक्चर में शामिल हैं और इससे नीचे है फिजिकल लेयर या फिजिकल लेवल वहां पर यह है कि जो डीबीएमएस है वो हैंड कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम के और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फिजिकल लेयर को प्रिपेयर करके इसको डिस्क स्टोर करता है अब यहां पर एक बात यह है कि हमारे पास तीन लेवल्स हैं हमने देखा कि एक्सटर्नल कंसेप्चुअल और इंटरनल अब बात यह है कि इनके दरमियान लिंक कैसे स्टैब्लिश होता है मिसाल के तौर पर जैसे हमने एग्जाम्पल देखी थी कि स्टोर है डेट लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पे आपको नजर आ रही है एज इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे देर इज सम कन्वर्जन वॉल्व वो कन्वर्जन कहां हो रही है कैसे हो रही है आइए देखते हैं अगली स्लाइड में ये जो दो लेवल्स के दरमियान लिंक है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है मेंटेन किया जाता है इंटर स्कीमा या इंटर लेवल मैपिंग के जरिए जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस मैपिंग में क्या होता है कि एक लेवल के जो डाटा आइटम्स हैं एक लेवल की जो चीजें हैं वो लिंक होती हैं रिलेट होती हैं दूसरे लेवल की चीजों के साथ जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल दी है कि हम अगर देख रहे हैं एज लेकिन एज जो है वो ऐसा स्टोर नहीं है बल्कि वो आ रही है फ्रॉम एन एट्रीब्यूट फ्रॉम योर प्रॉपर्टी डेट ऑफ बर्थ तो बेसिकली हो रहा यह है कि डेट ऑफ बर्थ इज बींग रेड इज बींग एक्सेस्ड फ्रॉम द डाटा बेस डेट इज बींग कन्वर्टेड उस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है कोई उस पर कैलकुलेशन की जा रही है और उसके बाद वो बन रहा है हमारे पास एज इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक्सटर्नल व्यू में एक्सटर्नल लेवल पे और कंसेप्चुअल लेवल के दरमियान देर इज सम लिंक देर इज सम मैपिंग इसे हम कहते हैं इंटरनल इंटर लेवल या इंटर स्कीमा मैपिंग इसी तरह जो हम कहते हैं कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कंसेप्चुअल लेवल पे और वो रिकॉर्ड में जो हमारे इंटरनल लेवल के ऊपर है उसमें एक रिकॉर्ड के फलां एट्रीब्यूट से देखिए जब आप इंटरनल लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में हर एट्रीब्यूट की एक फिजिकल पोजिशन है कंसेपचुअल स्कीमा पे फिजिकल पोजीशन की इतनी अहमियत नहीं है लेकिन जाहिर है कि इंटरनल स्कीमा पे है क्योंकि एक रिकॉर्ड जो है आप ये समझ लें मुख्तफ खाने बने हुए हैं और हर खाना जो है वो एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्टोर किए हुए हैं तो आपको कंसेपचुअल स्कीमा के ऊपर जो एट्रीब्यूट है उसको रिलेट करना पड़ेगा कि जब हम प्रैक्टिकली वैल्यू उठाएंगे तो इस रिकॉर्ड में से किस खाने में से किस ब्लॉक में से हम वैल्यू उठा के उसको उस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट प्लेस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव ऑल्सो ए मैपिंग बिटवीन द कंसेप्चुअल लेवल या स्कीमा स्कीमा एंड द इंटरनल इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो तरह की मैपिंग है एक हम कहते हैं एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग और दूसरी है कंसेप्चुअल एंड इंटरनल मैपिंग आपको ये दो मैपिंग का भी पता चल गया और इनका पर्पस क्या है इनका यूज क्या है उसका भी आपको अंदाजा हो गया आइए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग जो है वो जो चीजें एक्सटर्नल लेवल पे हैं और जो चीजें कंसेप्चुअल लेवल पे हैं उनके दरमियान लिंक क्रिएट करती है इसी तरह जो आपकी कंसेप्चुअल और इंटरनल लेवल मैपिंग है वो जो चीज़ें कंसेप्चुअल लेवल पे हैं और जो चीजें इंटरनल लेवल पे हैं उनके दरमियान लिंक मैपिंग क्रिएट करती है अब यहाँ पे थ्री लेवल आर्किटेक्चर को हम दोबारा देखेंगे और देखेंगे इसमें कुछ नए कंपोनेंट्स क्या ऐड हुए हैं ये वही डायग्राम है जो हम पहले देख चुके हैं इसमें आप देख रहे हैं कि आपको तीनों लेवल्स दिखाए जा रहे हैं और इस जो बॉटम मोस्ट लेवल पे जो फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मैं पहले कह in ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो डाटा प्रैक्टिकली स्टोर हो रहा है वो जो इंटरनल लेवल है जो थर्ड लेवल है उससे निचले लेवल पे स्टोर हो रहा है एंड दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो दो आपको नजर आ रही हैं एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग और ज ए पार्ट ऑफ द थ्री लेवल आर्किटेक्चर इस स्लाइड पर अब हम जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें यह है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है डाटा की शक्ल में या डाटा की मदद से आपको जो जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर है यह स्लाइड वो एक्सप्लेन करेगी हमारे फिर वही पुराने यूजर सलीम और सलीमा और उनके पुराने व्यूज बामें स्क्रीन नहीं बनी हुई जस्ट आपको डाटा नजर आ रहा है इसमें अब फिर वही देखें कि सलीमा का अपना व्यू है सलीम का अपना व्यू है ये जो आपको शेडेड ब्लॉक नजर आ रहा है बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैपिंग द इंटर स्कीमा मैपिंग यहां पे आप देखें कि uh, जो हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल पे हम जिसको देख रहे हैं वो डाटा हमें नजर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल टेबल की शक्ल में है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में है ये अगेन द ब्लॉक दैट वी आर सीइंग इंटर स्कीमा मैपिंग ये हमारा है इस वक्त जब ब्लॉक देख रहे हैं दिस इज ए फॉर्म ऑफ ए इंटरनल रिकॉर्ड इसमें क्या आप देख रहे होंगे कि इसमें रिकॉर्ड जो है वो साथ साथ अरेंज हुए हैं एक ब्लॉक की शक्ल में ब्लॉक की शक्ल में इसको फॉर्म करना इसलिए जरूरी होता है कि जिस साइज का हमारा रिकॉर्ड होता है जो कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकली जब डिस्क पे चीज रीड कर डिस्क से रीड करता है या डिस्क पे राइट करता है तो दैट ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल रिकॉर्ड रादर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपनी एफिशिएंसी परपजेस के लिए या ड्यू टू अदर रीजन वो एक ब्लॉक की शक्ल में जो है वो डिस्क पे लिखता है या जिससे पढ़ता है अब ये हो सकता है कि आपका जो एक रिकॉर्ड है वो ब्लॉक ऐसे बहुत बहुत छोटा है तो नाचे क्या होता है कि एक ब्लॉक में मल्टीपल रिकॉर्ड इकट्ठे होते हैं और जब ब्लॉक के साइज के रिकॉर्ड एक, एक दफा इकट्ठे हो जाते हैं लिखने के लिए तो फिर उसके बाद पूरे ब्लॉक को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भेजता है डिस्क के ऊपर डिवाइस के ऊपर तो यहां पे आप स्क्रीन पे अगर देखें तो यहां पे जो बी से मुराद है ब्लॉक हेडर ये वो चीज है कि कि दैट वी बिफोर डी बी एम एस एड डाटा इन द डाटा दैट वी सी एट दैट डाटा इज यूज बेसिकली डी बी एम एस इट सेल्फ फॉर द प्रोसेसिंग अब यहां पर इसे रिकॉर्ड हेडर है ये भी जो है वो इसमें ऐड हो गया इस तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके अलावा इसमें कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो कि सेट है और ये उसने एक जो इंटरनल लेवल के रिकॉर्ड्स है वो तैयार कर लिए दिस थिंग दिस डाटा विल बी हैंडेड ओवर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द डीबीएमएस विद अप्रोपरियट इंस्ट्रक्शन किस तरह स्टोर करना है किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत स्टोर करना है जब ये कमांड मिलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को तो वहां पर ये होगा इस सॉमेट में आप ये देख रहे हैं अब यहां पर वही डाटा जो कि आपके पास पहले uh, मतलब मीनिंगफुल हालत में था जो कि नॉर्मल करैक्टर्स में या डिजिट्स की शक्ल में था नो दैट हैज बिन कन्वर्टेड इंटू द बाइनरी फॉर्मेट और दिस इज बेसिकली परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ये जब आपका इंटरनल लेवल का जो डाटा था जो रिकॉर्ड्स थे या जो ब्लॉग था वेन इट हैज बिन कन्वर्टेड इंटू बाइनरी नो दिस विल बी फाइनल रिटर्न टू द स्टोरेज डिवाइस और जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे अगर आप इन्वर्स प्रोसेस जब इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो आपका बाइनरी फॉर्मेट है यहां से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो देगा इसको डीबीएमएस को एट द इंटरनल लेवल डीबीएम को कन्वर्ट करेगा अपने इंटरनल रिकॉर्ड में इंटरनल फॉर्मेट में उसके बाद वहां से वो उसको रीड करने के बाद कन्वर्ट करने के बाद डिस्प्ले करेगा उस लेवल में दैट वी आर सीइंग एट द कंसेप्चुअल लेवल और यहां से वो डाटा ट्रांसफॉर्म होगा थ्रू इंटरस्कीमा मैपिंग और वो उस तरह से नजर आएगा आपके यूजर्स को सलीमा को और सलीम को जैसे कि उसको स्क्रीन पर देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स थ्री लेवल आर्किटेक्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डाटा एंड इट इज द टॉपिक दैट आई कंसिडर दैट आई डिक्लेयर एज द बेसिक टॉपिक्स एंड आई सजेस्ट यू प्रॉपर अटेंशन दिस टॉपिक और आप सबको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इससे आपको डेटाबेस कोर्स को समझने में और इन जनरल डेटाबेस को इस्तेमाल करने में इसको डिजाइन करने में इंप्लीमेंट करने में बहुत सहूलत होगी इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटा इंडिपेंडेंस डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो दैट इज वन ऑफ द बिग एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस अप्रोच एक बात एंड सेकेंडली इट इज एन आउटकम ऑफ द थ्री लेवल स्कीम आर्किटेक्चर Osionfish. इस लिहाज से डाटा इंडिपेंडेंस जो, ए, जो है उसकी भी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इससे जो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि यू विल बी प्रॉपरली एबल टू कंपेयर द द फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच अप्रोच एंड या ये कह लें कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ द डाटा अप्रोच प्रॉपरली सो अगेन दिस इज वन ऑफ द बेसिक टॉपिक्स सो लेट स्टार्ट डाटा इंडिपेंडेंस अगेन मेजर आउटकम ऑफ थ्री लेवल आर्किटेक्चर आई मस्ट टेल यू वन थिंग हियर डाटा इंडिपेंडेंस जो है जनरली वो दो मतलब में लिया जाता है उसके दो मतलब लिए जाते हैं हम वो दोनों ही मतलब यहां पर डिस्कस करेंगे उनमें से पहला जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है इस वक्त द इम्यूनिटी ऑफ एप्लीकेशन टू चेंज इन स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस स्ट्रेटजी इसका मतलब ये क्या है इसका मतलब ये है कि आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो उस चीज से महफूज रहेंगे या उस चीज के इफेक्ट से महफूज रहेंगे अगर डीबीएमएस जो है वो स्टोरेज स्ट्रक्चर या एक्सेस स्ट्रक्चर में चेंज कर ले यानी ये वो चीज है कि जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एज प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस आपको याद होगा कि इन द फाइल प्रोसेसिंग एनवायरमेंट वी ड्रॉबैक दैट प्रोग्राम एंड डाटा वर इंटरडिपेंडेंट और हमने ये कहा था कि जो डेटा बेस अप्रोच है उसमें प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं ये वही चीज है कि अगर इफ यू हैव टू चेंज इफ टू इफ यू हैव टू मेक सम चेंज इन द डाटा उसका इफेक्ट जो है वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम पर नहीं पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स ये बहुत अहम बात है क्योंकि जैसे मैं आपसे पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि स्कीमा में चेंज करना इज अ वेरी सीरियस थिंग इसलिए कि जब आप एक जो आप डाटा बेस सिस्टम है वो डेवलप कर चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और डाटा हैज़ बिन पॉपुलेटेड इन टू द डाटा बेस और आपकी बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही होती हैं उसके बाद जो है वो डाटा में बल्कि डाटा के स्ट्रक्चर में स्कीमा में अगर कोई चेंज की जाए इट मे प्रूव इवन फैटल कि जो आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है पहले से उनमें प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि वो रन करना छोड़ देंगी वो एरर देना शुरू कर देंगी एंड माइंड इट एक डेवलप्ड सिस्टम के अंदर एक डेवलप्ड डेटाबेस सिस्टम के अंदर अगर एप्लीकेशन इस तरह से एरर देना शुरू कर दें ड्यू टू एनी चेंज तो फिर आपको उस सीक्वेंस को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा इसलिए कि एक बड़े डिवेलप सिस्टम के अंदर आपको यह गैस करना इतना आसान नहीं होता या ये जानना इतना आसान नहीं होता कि एक चेंज जो है उसका इफेक्ट कहां कहां हो सकता है ऑल दो विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यू कैन कीप एन अकाउंट ऑफ द लिंक बिटवीन द थिंग्स यस लेकिन फिर तो यह है कि आप अगर चेंज करेंगे तो मुनासिब इकदाम के साथ मुनासिब स्ट्रेटेजी के साथ चेंज करेंगे लेकिन ये बात मैं फिर आपसे एक दफा कहता हूं कि एक डेवलप्ड सिस्टम के अंदर जो सिस्टम इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है जिसमें डेटाबेस पॉपुलेट हो चुका हुआ है उसमें चेंज करना जो है वो बहुत भारी एक्टिविटी हो सकती है चुनाचे जब हम डाटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं जो कि एक एडवांटेज है थ्री लेवल आर्किटेक्चर का उसमें डाटा और प्रोग्राम वो एक दूसरे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप डाटा में चेंज कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं और मजे की बात यह है कि उस पर एप्लीकेशन प्रोग्राम को उसका फर्क नहीं पड़ेगा एंड दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट विद द डाटा बेस अप्रोच दिस इज द सेकेंड परस्पेक्टिव ऑफ द डाटा इंडिपेंडेंस और विद इन दिस कोर्स हम जब भी डेटा इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो उससे मराद ये वाला परस्पेक्टिव होगा पहला वाला भी गलत नहीं है बट जनरली वी मीन बाय द डेटा इंडिपेंडेंस ये वाला जो फैक्टर या ये, ये वाला जो एस्पेक्ट है इसमें कहता है कि चेंजेस इन द लोअर लेवल डू नॉट अफेक्ट द अपर लेवल्स हियर वी मीन लेवल्स द लेवल्स ऑफ द थ्री लेवल आर्किटेक्चर यानी हम ये बात करते हैं कि अगर आप लोअर लेवल के जो स्कीम हैं उनमें कोई चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो हायर लेवल के स्कीमास पे नहीं होगा यानी अगर आप इंटरनल लेवल पे कोई चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है कंसेप्चुअल पे नहीं होगा और जहरा जब कंसेप्चुअल पे नहीं होगा तो एक्सटर्नल पे भी नहीं होगा और इसी तरीके से अगर आप कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज करते हैं तो उसका ताल्लुक उसका इफेक्ट जो है वो आपके एक्सटर्नल लेवल पे के ऊपर नहीं होगा दिस इज वॉट इज बैंड बाय डाटा इंडिपेंडेंस डियर स्टूडेंट दे आर टू प्रिकॉशंस हियर पहली बात तो ये है कि आप जब डाटा इंडिपेंडेंस को डिफाइन करेंगे तो डिफाइन तो यूं ही करेंगे कि देर इज नो इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द हायर लेवल दैट वी मेड इन द लोअर लेवल या यू कहें कि द इम्यूनिटी ऑफ द हायर लेवल फ्रॉम द चेंजेस इन द लोअर लेवल बट माइंड इट आप इससे ये हर गिज हर गिज समझ लीजिएगा कि आप कोई भी चेंज करते रहें उसका इफेक्ट नहीं होगा तो यू हैव टू बी केयरफुल यू हैव टू बी क्लियर अबाउट डू वीन बाई एक बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि माइंड द डायरेक्शन एज वेल जो हम इस डेफिनेशन की जब बात करते हैं हमने कहा कि चेंजेस एट द लोअर लेवल हैव नो इफेक्ट एट एट द द हायर लेवल तो इसको आपने उल्टा नहीं कह देना यह नहीं कहना कि चेंजेस एट द हायर लेवल डू नॉट इफेक्ट द लोअर लेवल नो बल्कि ये इस तरीके से है के जो लोअर लेवल पे चेंजेस हैं उनका इफेक्ट जो है वो हायर लेवल के स्कीमास uh, के ऊपर या हायर लेवल्स के ऊपर नहीं होता देखिए एक बात तो ये है कि मैं रिपीटेडली कह चुका हूं कि द चेंज इन द स्कीमा इज अ वेरी सीरियस थिंग अब हम uh, इस ये बात ऐसे क्यों नहीं कहते कि एक्सटर्नल लेवल जो है उनकी चेंज जो है वो लोअर uh, लेवल पे या जो एक्सटर्नल uh, लेवल की चेंज जो है वो उससे कंसेप्ट लेवल जो महफूज रहेगा इसलिए कि एट द एक्सटर्नल लेवल वी डू नॉट अलाउ एनी चेंज इन द स्कीमा माइंड इट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कीमा क्योंकि जो एक्सटर्नल यूजर है दैट इज द कंसर्न ऑफ द एंड यूजर एंड यू डू नॉट अलाउ टू मेक एनी चेंज इन द स्कीमा टू द एक्सटर्नल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स हैं थ्रू द एक्सटर्नल व्यू वो सिर्फ डाटा को एक्सेस करते हैं प्रोसेस करते हैं अपने मतलब का डाटा डिजाइनर इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो डाटा इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना है वो ये होगा कि बॉटम टू अप डिफाइन करना है लोअर लेवल चेंजेस जो हैं उनका इफेक्ट जो है वो अपर लेवल चेंजेस पे ना हो तो एक बात तो ये है कि आपने डायरेक्शन का यू ख्याल करना है दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि डाटा इंडिपेंडेंस के नतीजे के तौर पर जो आपके हायर लेवल्स हैं वो हर तरह के चेंज से इम्यून हो गए हैं या हर तरह के चेंज से बच गए दिस इज नॉट पॉसिबल इवन इसको हम देखेंगे आइंदा में वाली जो स्लाइड है वहां पे हम जब चेंजेस की एग्जांपल देखेंगे तो वहां मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस इम्यूनिटी से क्या मुराद है डेटा इंडिपेंडेंस की दो टाइप्स हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लेट्स व्हाट डू दे मीन इसको हम यूं दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और बेसिकली ये दो दोनों डेफिनेशंस हैं ये जो हमारी डेटा इंडिपेंडेंस की जनरल डेफिनेशन है उसी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में भी और फिजिकल में भी अब देखिये ये डेफिनेशन पहले से मिलती जुलती है फ़र्क सिर्फ ये हो गया कि नाव यू नेम द लेवल्स और स्कीमज स्पेसिफिकली मिसाल तौर पर यू से चेंजेज इन द कंसेपचुअल मॉडल डू नॉट इफेक्ट द एक्सटर्नल व्यूज या उसको यूं भी कह सकते हैं कि इम्यूनिटी ऑफ एक्सटर्नल लेवल फ्रॉम चेंजेस एट द कंसेप्चुअल लेवल अगेन कॉशन के चेंजेस ऑफ ए सर्टन लेवल ऑफ सर्टन टाइप यू कैन नॉट से कोई भी चेंज करते रहें कोई इफेक्ट नहीं होगा नो लेट सी द एग्जाम्पल हियर आर डिफरेंट

मौजूद है हम चाहते हैं कि उस डेटाबेस के अंदर एक और फाइल को ऐड कर लें। अब डेटा इंडिपेंडेंस की वजह से उसकी ब्यूटी ये है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन पहले चल रही थी उनमें से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पता भी नहीं चलेगा कि डेटाबेस के अंदर प्रैक्टिकली एक और फाइल एड हो चुकी है दिस इज ओनली ड्यू टू द डाटा इंडिपेंडेंस इसी तरह एडिंग ए न्यू फील्ड इन ए फाइल कि आपने कहा कि हमने एम्प्लॉय का डाटा स्टोर किया हुआ है और कल को फर्ज करें उसमें आपने पहले डाटा स्टोर नहीं किया हुआ था कि उसके बच्चों की तादाद नो लेट्स से फॉर ए पर्टिकुलर रीजन यू नीड टू नो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एवरी एम्प्लॉय उस केस में यू नीड टू एड ए फील्ड तो आपने इस के लिए अगर ये फील्ड एड भी कर लिया द ब्यूटी ऑफ द डेटा इंडिपेंडेंस के और ऑफिसली ऑफ द थ्री लेवल आर्किटेक्चर के जो आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन थी जो प्रोग्राम आपके पहले से चल रहे थे एंड दे कुड देवन हंड्रेड ऑफ दम उनको वो सब के सब पहले की तरह से रन करते रहेंगे उनमें से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने एक्चुअली अपने डाटा के अंदर अपने डाटा के अंदर एक नए फील्ड को एड कर लिया हुआ है इसी तरह बास दफा आप किसी एट्रीब्यूट की टाइप चेंज करना चाहते हैं पहले आपने उसको किया हुआ था लेट से नंबर में अब आप उसको स्ट्रिंग करना चाहते हैं इसी तरह बाद बाजफा यू वॉन्ट टू चेंज द साइज ऑफ एन एट्रीब्यूट लेट से यू यू आर डिफाइंड द एट्रीब्यूट नेम एज ऑफ लेंथ ट्वेंटी बिफोर एंड नाउ यू नीड टू रीडिफाइन इट एज ट्वेंटी फाइव तो आप उसको रीडिफाइन कर लीजिए दिद नो इफेक्ट ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन ब्यूटी ऑफ द डाटा इंडिपेंडेंस एंड ऑब्वियसली ऑफ द थ्री लेवल आर्किटेक्चर नाउ डिलीटिंग एन एट्रीब्यूट This is सीरियस यहां मेरी वो मुराद है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप कोई भी चेंज कर लें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक्सटर्नल लेवल पे इसका कोई असर नहीं होगा नो no. क्यों वो इसलिए कि जब आप एक एट्रीब्यूट डिलीट ही कर दे रहे हैं कंसेप्टल uh, लेवल से तो देर कुड बी टेंस ऑफ एप्लीकेशंस जो कि सम हाउ और अदर उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड हैं। कोई उसको रीड कर रहा है कोई एप्लीकेशन जो है उसको किसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रही है कोई एप्लीकेशन उसको प्रिंट कर रही है सो इफ यू डिलीट एन एट्रीब्यूट एट द लेवल तो वो तमाम एप्लीकेशन जो कि उस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रही थी जब वो एप्लीकेशन रन होंगी नो ड्यू इंटर मैप इंटर स्कीमा मैपिंग द एट्रीब्यूट द एक्सटर्नल विल बी ट्राई टू बी कनेक्टेड विद द एट्रीब्यूट एट दीब्यूट डिलीट ही कर दिया हुआ एर एप्लीकेशन विल फेल ना इसका मतलब डाटा डिपेंडेंस uh, जो है वो आपको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड तो करता है कि इफ यू मेक अ चेंज एट दू टू द लॉजिकल डाटा एंड उसका इफेक्ट जो है वो एक्सट्रनल लेवल पर नहीं होगा बट माइंड इट चेंजेज ऑफ सर्टन टाइप और बा चीजेस जो हैं वो अब भी इफेक्ट कर सकती हैं जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है इसलिए आप इसको आ, यूं कह सकते हैं कि अगर आपने लेट्स एक डिफाइन करना है कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को तो यू डिफाइन कर सकते हैं कि देर विल बी नो अनैसेसरी इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल लेवल ऑफ द चेंजेज एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल लेट्स मूव फॉरवर्ड फिर वही दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ द डाटा इंडिपेंडेंस दैट इज फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और इनकी ये दोनों डेफिनेशन जो है वो उसी पिछली डेफिनेशन से हम निकाल सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि चेंजेस इन द इंटरनल मॉडल डू नॉट अफेक्ट द कॉन्सेप्चुअल मॉडल या इम्यूनिटी ऑफ कॉन्सेप्चुअल लेवल फ्रॉम द एट द इंटरनल लेवल बट अगेन सर्टन टाइप ऑफ चेंजेस और स्टिल बात चीज ऐसी होंगी कि जो कंसेप्ट लेवल पर इफेक्ट करेंगी आइए की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मिसाल के तौर पर हमने कहा चेंजिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है ये चेंज डीबीएमएस खुद भी कर सकता है ड्यू टू सर्टन रीजन मे बी एफिशियंसी या मे बी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डीबीए डीबीएमएस चेंज द फाइल ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह इंडेक्स को इंडेक्स फाइल्स को या इंडेक्स को इंप्लीमेंट करने की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं लाइक यहां मैंने एग्जाम्पल देंगे हैश की ट्रीज की इनके जरिए यू कैन इंप्लीमेंट द इंडेक्स तो किसी वक्त जो है आप इंडेक्स के इंप्लीमेंटेशन की जो स्ट्रेटजी है वो भी चेंज कर सकते हैं या फर्ज करें आपने अपना जो स्टोरेज मीडियम है हार्ड डिस्क का साइज चेंज करना है हार्ड डिस्क की टाइप चेंज करनी है आप ये चेंजेस करेंगे तो यू मेक दिस चेंजेस एट एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल देर बी नो इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेस और जाहिर है जिसमें मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर आप इंटरनल लेवल पे एक एट्रीब्यूट डिलीट ही कर दें तो फिर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसका इफेक्ट ऊपर नहीं होगा ऑब्वियसली उसका इफेक्ट होगा कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल लेवल पे और जब लेवल पे होगा तो ऑब्वियसली वो चीज ट्रांसफॉर्म करेगी ट्रांसफर uh, होगी टू द एक्सटर्नल लेवल एज वेल आई होप आपको डाटा इंडिपेंडेंस क्लियर हो चुका होगा इस स्क्रीन के ऊपर आप देखिए तो यहां पर आपको दोबारा से मैं दिखा रहा हूं थ्री लेवल आर्किटेक्चर और इसमें इस, इस दफा मैंने आपके लिए यहां पे कॉन्पच्चुअल डाटा इंडिपेंडेंस कि जिस स्टेज पे हमें जो कन्सेपच्चुअल डाटा इंडिपेंडेंस मिल रही है और जिस स्टेज पे हमें फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मिल रही है वो दोनों मैंने भी शो कर दिए हैं एंड माइंड इट जो आपकी ये दोनों डाटा इंडिपेंडेंस की टाइप हैं दे आर बेसिकली प्रोवाइडेड दे आर प्रोवाइडेड यूजिंग द एक्सटर्नल कॉन्सेपचुअल मैपिंग या यूजिंग द कंसेपचुअल इंटरनल मैपिंग द चेंजेस दैट यू मेक एट एनी लेवल दे आर एट मैक् मैक्मम एडजस्टेड विद इन दिस मैपिंग तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर है वो डाटा एंड डिपेंडेंस प्रोवाइड करता है डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमारी थ्री लेवल आर्किटेक्चर की डिस्कशन जो है वो पूरी हुई है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर समझ आ गया होगा और इसमें जो इसके डिफरेंट लेवल्स हैं उनका आपस में लिंक और जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर के बेनिफिट्स हैं जो उसके एडवांटेजेस हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे ये आपको मजीद समझ आ जाएंगे जैसे जैसे आप डाटा बेस का इस्तेमाल करेंगे या डी बी एम एसिस का इस्तेमाल करेंगे तो जब आप डाटा को डिफरेंट लेवल्स पे डिफ़ाइन करेंगे इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको थ्री लेवल आर्किटेक्चर जो है वो मजीद क्लियर होगा तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ डी के टॉपिक्स के जो फंक्शन हैं उनके बारे में मैं आपको पहले ब्रीफली बता चुका हूँ कि डी वी एम एस परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन वन इज मैनेजिंग द यूजर्स एंड अदर इज मैनेजिंग द डेटा। तो इस आ, आ, स्लाइड में या अब जो आइंदा कुछ स्लाइड्स हैं उनके अंदर हम इन फंक्शंस को डीबीएमएस के फंक्शंस को थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इसका मकसद यह है इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि ताकि आपको यह समझ आ जाए कि डीबीएमएस जो है वो क्या रोल प्ले करता है और आपको डेटाबेस बेस में और डी में ताल्लुक समझ आ जाए उन लिंक समझ आ जाए इसके अलावा हम जो डी की मेजर टाइप्स हैं और उनमें से कुछ हम इस्तेमाल भी करेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको डी बी एस की मजीद समझ आ जाए आइए स्टार्ट करते हैं पहली है डाटा प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि जो डी बी एम एस है वो डाटा से रिलेटेड मुख्तलिफ मुख्तलिफरशन करता है जैसा कि अब तक आप समझ चुके होंगे उन मुख्तलिफ ऑपरेशन से क्या मुराद है राइट फ्राम स्टार्टिंग द क्रिएशन ऑफ डाटा दैन पुटिंग द डाटा इन टू द डाटा बेस न अरेंजिंग डाटा इन डिफरेंट फॉर्म्स दैन एक्सेसिंग द डाटा प्लेसिंग इट एट डिफरेंट आउट टू डिसेज ऑल दिज एक्टिविटीज यह शामिल हैं प्रोसेसिंग ऑफ डाटा और यह तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो डी बी एम एस परफॉर्म करता है उसके बाद आगे आप देखें कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डी बी एम एस टू मेनटेन ए यूजर एक्सेसिबल कैटलॉग यानी कैटलॉग से क्या मुराद है कैटलॉग से हमारा हमारी एक ऐसी जगह है ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम डाटा बेस के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है यानी जब हम स्कीमा की बात करते हैं हमने डिफरेंट लेवल्स के स्कीमा की बात की है उन वो तमाम जो हैं वो कैटलाग में मौजूद हैं जितने यूजर्स हैं उनके बारे में डाटा जो है वो कैटलाग में मौजूद है तो जो कैटलाग है वो तमाम जो आपका डाटा बेस है उसके आर्किटेक्चर के बारे में उसके यूजर्स के बारे में और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है जिसके बारे में आपको अंदाजा होता रहेगा कि कैटलॉग में क्या क्या होता है ऑल दैट स्टोर्ड इन द कैटलॉग साथ ही यह बात खास तौर पे जो रिलेशनल डाटा बेसिस है जिनके बारे में क्या आप पढ़ेंगे उनके साथ एक रिक्वायरमेंट जो है या कंडीशन जो है डी बी एम एस एस के ऊपर वो यह भी इंपोज हो गई है कि दीज कैटलॉग शुड बी एक्सेसिबल टू द यूजर्स एज वेल अब जाहिर है कि इसमें दो चीज़ें आती हैं एक तो यह कि जब यूज़र की बात करते हैं तो वी डू नॉट मीन बाई इट द एंड यूजर क्योंकि एंड यूजर को एक तो बात है कि ना तो उतनी टेक्निकली वो स्ट्रांग uh, होते हैं कि वो जान सकें कि कैटलॉग को इस्तेमाल कैसे करना है और दूसरी बात है कि ना ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल वो होता है कि यू गिव दैम द राइट टू एक्सेस द कैटलॉग बिकॉज अगेन कैटलॉग मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा बेस एंड दैट इज सीरियस दैट इज इंटेंशन दैट इज सीरियस वो आप किसी एंड यूजर को किसी नाइव यूजर को यू वोट अलाउ हिम टू एक्सेस तो जब हम कैटलॉग की बात करते हैं तो जनरली कैटलॉग को जो एक्सेस करते हैं दैट इज द डी बी ए या मे बी बास केज में जो आपका सोफिस्टिकेटेड यूजर है क्योंकि बिकॉज दे आर प्लेस्ड एट द हायर पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन तो उनको आम तौर पर यह ऑथोराइजेशन होती है लेकिन दूसरी तरफ बात ये है कि जो आपके इस तरह के जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं या जो आपके जैसे आप सोफिस्टिकेटेड यूजर कहते हैं दे आर नॉट फेमिलियर विद द कैटलॉग स्ट्रक्चर तो इसलिए उनके इस्तेमाल की नॉर्मली ये नहीं होती या उसको नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते इसको जनरली जो इस्तेमाल करता है वो करता है डी लेकिन द डी बी एम एस हैज़ टू प्रोवाइड द एक्सेस टू द कैटलॉग उसके बाद है ट्रांजेक्शन सपोर्ट ट्रांजेक्शन जो है वो किसी एक काम के यूनिट को कहते हैं जिससे आप कहें एक काम वो काम कुछ भी हो सकता है वो डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर कि किसी सिस्टम में आप एक काम को एक ट्रांजेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं तो डीबीएमएस जो है वो ट्रांजेक्शन की सपोर्ट देनी चाहिए कि एक काम को आप डिक्लेयर कर दें कि एक ट्रांजेक्शन है तो डीबीएमएस जो है उस पर खास तरह के ऑपरेशन करें उसको खास तरीके से उसका ख्याल रखें ट्रांजेक्शन और उस पर क्या ऑपरेशन होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन इस वक्त ये जानना काफी है कि जो डीबीएमएस है वो ट्रांजेक्शन की सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है फिर है कंक्रंसी कंट्रोल सर्विसेज ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंकरेंसी से मुराद तो यह मल्टीपल यूजर एक्सेसिंग द डाटा बेस एट द सेम टाइम तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग तो आप दिस इज वेरी नाइस दिस इज वेरी स्वीट ना कि यू आर प्रोवाइडिंग कंकरंट एक्सेस बट यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज द कंक्रंट एक्सेस कैन मेक द डाटा बेस इनकंसिस्टेंट तो डीबीएमएस जो है वो कंकरेंट uh, एक्सेस देता है लेकिन साथ ही उसका प्रॉपर कंट्रोल भी प्रोवाइड करना चाहिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लाइट रिकवरी सर्विसेज इससे भी मराज यही है कि अगर बाय चांस आपका डाटाबेस जो है वो फेल हो जाता है तो डी बी एम एस जो है उसमें ये फैसिलिटी ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स उसमें ये फीचर उसमें होना चाहिए कि जब दोबारा आप उसको ऑन करें तो वो डाटा बेस को सही हालत में ले आए कैसे ये हम बाद में पढ़ेंगे मगर इस वक्त जानना काफी है उसके बाद है ऑथोराइजेशन सर्विसेज यानी डाटा बेस में से डाटा को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकें एक्सेस कर सकें और फिर वही ऑपरेशन कर सकें जो कि उनको अलाउड है दिस इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन सर्विसेज फिर है सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशन अगर डाटा को किसी जगह कम्युनिकेट करना है ओवर ए नेटवर्क ट्रांसफर करना है तो उस केस में वो फैसिलिटी भी डी के अंदर होनी चाहिए कि वो डाटा को डाटा को कम्युनिकेट कर सके ओवर एनी मीडियम फिर है इंटेग्रिटी सर्विसेज इंटेग्रिटी सर्विसेज से हम राज है कि आप जो है डाटा के ऊपर यू प्लेस डिफरेंट चेक्स ऑन डैट तो दिस शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डी बी एम एस डेट इट टेक्स केयर ऑफ टोज चेक्स यानी इसकी एग्जाम्पल यह है कि अगर आप कहते हैं कि हमने आ, एक एम्प्लॉय है उसके रिकॉर्ड के अंदर हमने उसके डिपार्टमेंट का लिंक रखना है डिपार्टमेंट का नाम रखना है तो डिपार्टमेंट के नाम वही वहां पर आने चाहिए जो कि लीगल हैं जो कि सही हैं यानी आप उसको यूं कह लें कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट वाकई मौजूद हैं एम्प्लॉय के लिए वही डिपार्टमेंट होना चाहिए मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि एक आ, आ, इदारे में किसी ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक रिलेशनिंग का डिपार्टमेंट ही नहीं है एंड व्हेन वी सी द ऑफ एन एम्प्लॉय द डिपार्टमेंट इज रिटन एज द पब्लिक रिलेशन तो इसका मतलब है कि ये जो डाटा है उसकी इंटेग्रिटी नहीं है वो डाटा सही नहीं है तो डी uh, बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो इस तरह के इंटेग्रिटी चेक्स हैं कि जो डाटा की करेक्टनेस को डाटा के सही होने को गारंटी करें उसकी एश्योरिटी दें वो सर्विसेज प्रोवाइड करना भी डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दो स्लाइड्स के अंदर हमने डिस्कस किए हैं डी के जनरल फंक्शन uh, और जिनसे कि आपका आंदा वास्ता पड़ता रहेगा अब हम इसके बाद जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट टाइप के डी तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स डी को हम डिफरेंट एनवायरमेंट्स में डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं इनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक हम कैटेगरी कैटेगरी कहते हैं सिंगल यूजर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनवायरमेंट और दूसरी कैटेगरी है मल्टी यूजर डी बी एम एस एनवायरमेंट वट इज मैंट बाय सिंगल यूजर डी बी एम एस इसका मतलब यह है कि जब डी बी एम एस को सिर्फ एक यूजर जो है एक्सेस कर रहा है एक्सेस करने की बात नहीं है क्योंकि यह भी हो सकता है कि है तो जो एनवायरमेंट वो तो मल्टीपल यूजर्स के लिए है पर किसी वक्त बाय चांस ओनली ए सिंगल यूजर इज एक्सेसिंग द डाटा या डी तो उसे हम ये नहीं कहेंगे दिस इज ए सिंगल यूजर एनवायरमेंट बल्कि ऐसी एनवायरमेंट दैट कैन ओनली सपोर्ट ए सिंगल यूजर एट ए टाइम यानी और इसको नॉर्मली हम जो है वो डेस्कटॉप डी भी कहते हैं यानी जिसमें ऐसा होगा कि जब डीबीएमएस डी रन करेंगे तो जो डाटा उसको रन करेगा जो डाटा आप इस्तेमाल करेंगे वो यही होगा कि उसको एक वक्त में एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकेगा चाहे उस कंप्यूटर पर दस लोग आ जाएँ मुख्तफ अवत में और वो उस डी के थ्रू या उस डी को इस्तेमाल करें या उस डी के थ्रू डाटा को इस्तेमाल करें वो एक अलग बात है डी जो है Uh, ये जो सिंगल यूजर एनवायरनमेंट है इसमें वो इन दस लोगों का रिकॉर्ड तो रख सकता है कि ठीक है दस लोग मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं या इस डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं बट द थिंग इज के एट ए टाइम एक वक्त में उसको एक यूजर जो है वो इस्तेमाल कर रहा होगा सो दिस इज कॉल्ड ए सिंगल यूजर डीबीएमएस एनवायरमेंट ऑब्वियसली जो इसका कंट्रेरी uh, है वो क्या है मल्टी यूजर डी बी एम एस एनवायरमेंट इसमें हमारे पास जो है वो मुख्तु तरह की जो इन्वायरमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं आइए देखिए कि वो कौन सी एन्वायरमेंट्स हैं पहली इसमें है टेली प्रोसेसिंग एनवायरमेंट ये दिस वॉज इन द बिगनिंग डेज ऑफ इन द स्टार्ट डेज ऑफ द डी बी एम एस और ये आज कल इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती दूसरा है फाइल सर्वर स्टिल दिस इज़ नॉट बींग मच यूज आवर डेज और तीसरी है क्लाइंट सर्वर ये वो इन्वायरमेंट है कि दैट इज़ बींग जर्नली यूज आवर डेज इन ए मल्टी यूजर डी बी एम एस एनवायरमेंट तो आइए हम बारी बारी देखते हैं कि इनसे क्या मुराद है, और उनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं यह स्लाइड जो है ये आपको दिखा रही है एक टेली प्रोसेसिंग इसमें में आपको एक कंप्यूटर नजर आ रहा है ये वो मशीन है के जिस पे बेसिकली डीबीएमएस रन कर रहा है और जो इसके साथ अटैच हैं दे आर टर्मिनल्स एंड रदर देम टर्मिनल डम टर्मिनल से मुराद ये है कि वहां पे किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग जो है वो नहीं होती दे आर ओनली यूज फॉर सीइंग द रिजल्ट और टाइपिंग समथिंग तमाम जो प्रोसेसिंग है जो डी बी एम एस है वो रन कर रहा है कंप्यूटर सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर और इवन जो इन टर्मिनल्स पे द एप्लीकेशन दैट यू आर सींग रनिंग दे आर ऑल्सो रनिंग एट द सेंट्रल कंप्यूटर तमाम प्रोसेसिंग जो या हो रही है जो डाटा बेस के ऊपर हो रही है चाहे जनरल जो एप्लीकेशन रन हो रही है ऑल ऑफ दैट इज ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर एंड दैट इज बेसिकली सेंट द आउटपुट इज सेंट टू द टर्मिनल एंड टर्मिनल जस्ट डिस्प्लेस इट जैसा कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस एन्वायरमेंट पोर्ट्स ए लॉट ऑफ बर्डन ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर इसमें यहां पर तो आप सिर्फ तीन टर्मिनल देख रहे हैं डीबीए में इसमें जाहिर इन्वायरमेंट में तो बहुत से टर्मिनल भी हो सकते हैं दसियों बीसियों सैकड़ों भी हो सकते हैं तो जाहिर है कि इफ़ सिंगल कंप्यूटर इज हैंडलिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल दोनल तो ऑब्वियसली इज टू मच लोड ऑन दैट सिंगल कंप्यूटर तो या तो इस कंप्यूटर को बहुत हैवी बहुत फास्ट होना चाहिए मगर तो जितना भी फास्ट हो वेन इट इज हैंडलिंग सो मैनी एप्लीकेशन इट नेचुरली स्लोज डाउन तो ये वो एन्वायरमेंट थी जो कि मल्टी यूजर डी बी एम एस एनवायरमेंट के, uh, के शुरू के दिनों में uh, इस्तेमाल हुई ज्यादा पॉपुलर हुई अब ये इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती आइए देखते हैं आगे क्या है दिस इज ए फायवर एनवायरमेंट इस एनवायरमेंट की खास बात यह है कि ये नॉर्मली एक लोकल एरिया नेटवर्क पे या अब फिलहाल आप ये नेटवर्क पे स्टेब्लिश होती थी उस पर बनती थी तो डाटा मैनेजमेंट है डाटा जो स्टोरेज है दैट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइल सर्वर लेकिन जो आपके पहले आपके थे डम टर्मिनल अब जो आपके पास थे वो थे वर्क स्टेशन और वर्क स्टेशन थे वो भी प्रॉपर कंप्यूटर्स होते हैं होते थे एंड एवरी वर्क स्टेशन वॉज रनिंग ए डी बी एम एस सो इसका मतलब ये है कि ए लोकल कॉपी ऑफ डीबीएमएस इज रनिंग ऑन ऑल द वर्क स्टेशन अब जब भी किसी यूजर को डाटा की जरूरत है डेटा बेस से

उसमें सिर्फ यह है कि आप जो फाइल सर्वर है वो स्टोरेज को मैनेज कर रहा है ऑल जो डाटा सेंट्रल प्लेस लेकिन वह प्रोसेसिंग नहीं हो रही प्रोसेसिंग इज डन एट द वर्क स्टेशन तो क्या होता था कि जब भी आपको आ, किसी डाटा की जरूरत पड़ती थी तो बजाय इसके कि आपको सिर्फ वही डाटा मिले जिसकी आपको जरूरत है तमाम डाटा जो बल्कि पूरी फाइल जो है वो आपको भेज दी जाती थी मिसाल के तौर पे फर्ज करें

क्यूरी वो एप्लीकेशन इस फाइल पर रन करेंगे और वो देखेंगे और मजे की बात ये है कि इफ यू वांट टू मेक सम चेंज लट से इन द फाइल इन द डाटा देखें ना एक सूर्त हाल तो ये है कि यू वांट जस्ट टू रीड द डाटा क्या आपने देखना था कि लटसे के एक हमारा एम्प्लॉ है वक़ार हुसैन उसके इस महीने के वर्किंग आवर्स कितने हैं

आप वहां पे एक रिकॉर्ड में चेंज करेंगे एंड देन ऑल दिस रिकॉर्ड विल गो बैक और वहां पे जाके दोबारा लिखे जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका जो फाइल uh, सर्वर है द द फाइल सर्वर इज नॉट दैट बिजी एज इट टू बी इन टेली प्रोसेसिंग एनवायरमेंट लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर क्या हो गया योर नेटवर्क इज नाउ ओवरबर्डन यानी आपका जो नेटवर्क है उसमें ट्रैफिक इतनी ज्यादा है क्युं? क्यों क्योंकि आप फाइल्स बहुत ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये एक फीचर था इस एनवायरनमेंट का लेट्स सी द नेक्स्ट एनवायरमेंट दिस इज क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट इसमें आपके पास एक सर्वर मशीन है और आपके पास क्लाइंट्स हैं जो क्लाइंट है उसमें आपका जो फ्रंट एंड है या जो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो रन कर रहा है तो जब भी आप कोई डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले उस क्यूरी का जो सेंटेक्स वगैरह है जो कहा वो क्यूरी ठीक है या नहीं ठीक है वो आपकी लोकल मशीन पे चेक हो जाएगी और उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी आपके सर्वर के पास सर्वर इज अ मशीन वेयर एक्चुअली डी बी एम एस इज रनिंग एंड माइंड इट इन द क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट यू डू नॉट हैव रनिंग ऑन द क्लाइंट्स वेयर एज इन द फाइल सर्वर एनवायरमेंट एवरी वर्क स्टेशन वॉज रनिंग ए कॉपी ऑफ द डी बी एम एस यहां पर यह है कि आपका जो क्लाइंट्स हैं दे आर रनिंग जस्ट द एप्लीकेशन लेकिन जो डी है दैट इज रनिंग ऑन द सर्वर अब आपने एक रिक्वेस्ट भेजी डी बी एम एस वीसीव दैट रिक्वेस्ट वो देखेगा कि द रिक्वेस्ट दैट हैज बिन आस्ड दैट हैज बिन रिक्वेस्टेड इज इट लीगल और नॉट इट वेदर डाटा एग्जिस्ट है नॉट अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो वो डाटा वहां से जो डाटा बेस है जो डाटा स्टोर है जो फाइल्स है वहां से लेगा और सिर्फ वही डाटा जो है वो पास करेगा वापस क्लाइंट को इससे अब आपको इस आइडिया की ब्यूटी नजर आ गई कि ना तो इसमें जो टेली प्रोसेसिंग की तरह आपका जो सर्वर है दैट इज ओवरबर्डन कि तमाम एप्लीकेशन वन ऑन कर रही हैं और दूसरी बात है ना ही इसका जो जो हमारे पास फाइल सर्वर इन्वायरमेंट का जो ड्रॉबैक था कि नेटवर्क वाज टू बिजी वो भी यहां पर नहीं है बिकॉज द डीबीएमएस इज रिटर्निंग ओनली द रिक्वायर्ड डाटा तो ये हमारे पास जो है वो क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट है Uh, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिस के बारे में हम कभी इन आइंदा के लेक्चर में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं और जाने से पहले मैं आपको आज के लेक्चर के जो अहम पॉइंट्स हैं वो बता दूँ आज के लेक्चर में हमने थ्री लेवल आर्किटेक्चर की डिस्कशन को मुकम्मल किया उसमें हमने तीनों लेवल्स के स्कीमास को तीनों लेवल्स को डिस्कस किया और उनके आपस में जो लिंक है वो कैसे इस्टेब्लिश होता है वो हमने देखा उसके बाद जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर का या डाटा बेस अप्रोच का जो कि मेजर एडवांटेज है डाटा इंडिपेंडेंस हमने वो डिस्कस किया और फिर हमने देखा कि डाटा इंडिपेंडेंस की दो मेजर टाइप्स हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हमने उनको डिस्कस किया और फाइनली मैंने आपको डी के डिफरेंट फंक्शन जो हैं उनके बारे में ब्रीफली बताया और जो डी के जो डिफरेंट अनवायरमेंट्स हैं जिनमें के सिंगल यूजर डी बी एम एस इन्वायरमेंट और मल्टी यूजर डी बी एम एनवायरमेंट है वो शामिल है हमने उनको डिस्कस किया और उसके बाद मैंने आपको इन तमाम इन्वायरमेंट्स के बारे में इनके जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स थी उनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है आई होप आपने आज का लेक्चर इन्जॉय किया होगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़